हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यामाहा फेसिनो डिटेल रिव्यू। अगर आप इस स्कूटी को ख़रीदना चाहते हैं, कंपनी में विजिट कर सकते हैं। यहाँ का और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ का नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले, क्योंकि वहाँ पर मैं बाइक्स के रिलेटेड पोस्ट डालता रहता हूँ। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वायरी है तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। फेसिनो है, इसमें आपको 113cc का इंजन देखने को मिल जाता है। पहले इसमें हमारे को यूबीएस ब्रेकिंग सिस्टम नहीं मिलती थी। यूबीएस ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब जिनको नहीं पता है, मैं बता देता हूँ, यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें ये एक दबाने से दोनों ब्रेकें रुकती है। ये उसी तरह है जिस तरह कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम होती है, बस इसका नाम चेंज है यूबीएस, वो सीबीएस होती है। गाइस, आज की वीडियो में आपको हम इसका फुल डिटेल्ड रिव्यू दिखाएंगे। इसमें आपको कैसे ग्राफिक्स मिल जाते हैं, आपको मतलब चेंज आया, तो बने रहिए हमारी वीडियो में और देखिए इसका डिटेल्ड रिव्यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा ले। सो लेट्स गाइस, अगर आप स्कूटी की फ्रंट साइड देखोगे तो आपको काफ़ी इसमें क्लासिक लुकिंग देखने को मिल जाएगी। जो आप देख रहे हो, आपको कुछ इस तरह का इसका हैलोजन बल्ब देखने को मिल जाएगा, जो आपको 12 वोल्ट का इसका हैलोजन बल्ब देखने को मिल के इसमें आपको दो बल्ब देखने को मिल जाएंगे इसके हेडलैम्प में। और आप इसके नीचे देखोगे तो आपको F दिखा हुआ लोगो मिल जाएगा, जो फेसिनो है, जिसका मतलब आप इसके आप क्रोम गार्निशिंग वाले आप साइड मिरर्स भी देख सकते हो, जो इसके डिज़ाइन को और उभार कर बाहर लाते हैं, जो मतलब बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसमें आपको फुली स्टील फिनिशिंग को मिरर्स मिल जाते हैं और आपको नीचे क्रोम गार्निशिंग देखने को मिल जाएगी। और इसके इंडिकेटर्स भी कुछ स्टाइलिंग देंगे और आपको इधर कुछ हीट वेंट की तरह आपको देखने को मिल जाएगा डिज़ाइन, पर वो हीट वेंट नहीं है। आप देख रहे, जैसे कि आप एक बार दूर से भी आपको ये किस तरह की देखने को मिल जाती है। गाइस, अगर हम लेफ्ट साइड से लुकिंग की बात करें तो लेफ्ट साइड से भी आपको बहुत ही बढ़िया इसकी लुकिंग देखने को मिल जाती है। अगर आप इसकी आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट, तो आपको क्रोम गार्निशिंग देखने को मिल जाएगी जो, और डिज़ाइन आप देख रहे हैं, आपको कुछ ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे और आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, देख रहे, जैसे कि जो आपको 3D एम्बलम देखने को मिलेगा आपको फेसिनो का, जो इसकी मतलब और स्टाइलिश बना देता है इस स्कूटी को। और आप इसकी आप लेफ्ट साइड से देख सकते हैं टायर्स की किस तरह की लुकिंग देखने को मिल जाएगी, जो काफ़ी स्टाइलिश आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि देख रहे, इसमें आपको 3-4 देखने को मिल जाती है, जो इसकी मतलब ब्रेकिंग की वायर्स है और इसी आपको देखने की मिल जाएंगी। और आपको इसमें फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको दिखा रहे हैं स्कूटी की बैक साइड से देखने पर आप देखेंगे इसका पिलियन ग्रैबरेल काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाता है, जिस पर फेसिनो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और उसके नीचे आप देखेंगे आपको इसमें क्रोम गार्निशिंग वाले आपको बैक टेल लाइट देखने को मिल जाएंगे, जिस पर आपको ब्लू कोर लिखा हुआ मिल रहा है बस। और आप उसके बीच में देखेंगे आपको यामाहा का लोगो देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी स्टाइलिश लगता है। दोस्तों, अगर सबसे बेस्ट चीज़ बैक साइड से देखने में अगर हम बात करें तो ये जो आप देख रहे, जो बैक में पिलियन ग्रैबरेल आपको देखने को मिल जाता है काफ़ी बड़ा सा, वो मुझे सबसे बेस्ट लगा है। दोस्तों, हम आपको इसके बैक साइड से तो लुकिंग दिखा चुके हैं, अब हम आपको इसकी राइट साइड से लुकिंग दिखा देते हैं। आप देखेंगे राइट साइड से आपको सब कुछ सेम देखने को मिल जाएगा, सेम जैसे आपको लेफ्ट में देखने को मिला था, बस आपको इधर एक एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगा। जो एग्जॉस्ट की अगर आप देखेंगे डिज़ाइन, तो आपको बाइक्स के जो एग्जॉस्ट है उससे इंस्पायर देख पे आपको यामा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अगर हम इसकी स्कूटी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपको फुली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको फ्यूल गेज देखने को मिलेगा, स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा, साइड इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा और आपको एक लो बीम हाई बीम आइकन देखने को मिल जाएगा। और इस स्कूटी के अगर हम स्विचेस की बात करें तो स्विचेस में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको सभी स्विचेस देखने को मिल जाएंगे। और स्विचेस की क्वालिटी की बात करें तो वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। और आपको इस स्कूटी का इग्निशन स्विच कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। और इसकी अगर हम की बात करें तो की भी आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ये आप देख रहे हैं इसकी की। दोस्तों, एक बार मैं आपको इस स्कूटी का अंडर सीट स्टोरेज कैपेसिटी भी बता देता हूँ, आपको कितना मिल जाएगा। इसमें आपको 21 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा, जो आपको किसी भी स्कूटी में इतनी नहीं आपको देखने को मिलती है। और एक बैग आप आराम से रख सकते हैं छोटा, जो लेडीज़ का खोल आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आपको कुछ इस तरह की इसमें इसकी अंडर सीट स्टोरेज देखने को मिल जाएगी।
इसमें इसकी एक्सेसरीज अभी रखी हुई है क्योंकि ये अभी ये न्यू है। इसको आपको मैं हटा के दिखा देता हूँ। आप इसमें एक हेलमेट और आप एक हैंडबैग जो लेडीज़ का होता है आराम से आप रख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम इसे हम बंद कर देते हैं, इसके हम अंडर इसकी सीट को। अब हम इसके हम इंजन की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस स्कूटी की अगर हम इंजन की बात करें तो इसमें हमारे को 113 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वोल्ट इंजन देखने को मिल जाएगा, जिसकी अगर हम मैक्सिमम पावर की बात करें तो ये 7.1 पीएस की पावर जनरेट करता है 7500 आरपीएम पर। इसकी अगर हम टॉर्क की बात करें तो 8 न्यूटन मीटर की ये टॉर्क जनरेट करता है 5000 आरपीएम पर। इस स्कूटी की अगर हम स्टार्टिंग मेथड की बात करें तो ये हमारे को किक और सेल्फ दोनों के साथ देखने को मिल जाएगी। ये सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ आता है। अगर हम फ्यूल डिलीवरी की बात करें तो कार्बोरेटर के थ्रू इसमें फ्यूल डिलीवरी होती है। दोस्तों चलिए बात करते हैं अब हम इस स्कूटी के ब्रेकिंग की। इस स्कूटी में पहले हमारे को UBS ब्रेकिंग नहीं मिलती थी, अब इसमें हमारे को UBS ब्रेकिंग देखने को मिल जाती है। इसमें आप देख रहे जैसे कि आपको फ्रंट में UBS की ब्रांड को मिल जाएगी। इसकी अगर हम फ्रंट ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें आपको ड्रम ब्रेक सिस्टम देखने को मिल जाएगी विद UBS यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम। कि अगर हम रेयर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो वो भी आपको ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगी, जो कुछ इस तरह आपको देखने को मिलती है। दोस्तों इस स्कूटी की ब्रेकिंग की तो बात हो गई, अब मैं आपको बता देता हूँ आपको इसमें किस तरह के सस्पेंशंस देखने। इस स्कूटी की अगर हम दोस्तों फ्रंट सस्पेंशंस की बात करें तो स्कोपिक फोर्क देखने को मिल जाएगा, जो आपको सेम बाइक्स में भी इस तरह के सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। इसकी अगर हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें जैसे कि एक्टिवा है, उसमें भी आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक देखने को नहीं मिलती है, नॉर्मल से उसमें सस्पेंशन देखने को आपको मिल जाते हैं। इस स्कूटी की अगर हम रेयर सस्पेंशन की बात करें तो वो भी आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के मेल देखने को मिल जाते हैं, जो आपको यूनिट स्विंग सस्पेंशन देखने को जो किस तरह के आपको दिख जाएंगे। दोस्तों अगर हम इस स्कूटी के टायर साइजेस की बात करें तो इसमें हमारे को फ्रंट और रेयर दोनों ही 10-10 इंचेस के टायर्स देखने को मिल जाएंगे, जो आपको 90/100 के दोनों ही देखने को मिलेंगे। दोनों ही आपको ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिल जाएंगे और क्वालिटी की बात करें टायर्स की दोनों ही काफ़ी क्वालिटी के देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो हमारे को इसमें 5.2 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है और इसमें दोस्तों हमें 103 केजी का इसका वेट देखने को मिल जाता है और इसकी 7 टॉप राइडर्स भी इसको चला सकते हैं और इसमें हमें 130 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिला। अब बात करते हैं दोस्तों स्कूटी की मेन चीज़ जो है इसकी प्राइस। इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें इन लुधियाना पंजाब अलग प्राइसिंग होती है, तो आप अपनी सिटी में अपने शोरूम नियरेस्ट शोरूम में जाकर पता कर सकते हैं। दोस्तों ये रिव्यू अभी तरी कंप्लीट होता है। रिव्यू आपको किस तरह का लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप अगर इस स्कूटी को ख़रीदना चाहते हैं तो आप या रॉयल मोटर कंपनी में विजिट कर सकते हैं। यहाँ का एड्रेस और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। दोस्तों अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं, यूज़र आई डी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और हम इससे पहले जो भी यामा के बाइक्स के रिव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों अब इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। वीडियो एंड करने से पहले अगर आपने अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और उसके साथ में वंदे मातरम।